अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिद्धार्थ फूड फैक्ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ देगी जर्दा बनाने का तरीका शेयर करूंगी। पूरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत ही मजेदार जर्दा तैयार कर सकते हैं। जिनको मीठा पसंद है उनके लिए रेसिपी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। यहाँ पे मैंने पानी लिया है एक कढ़ाई में, खुले बर्तन में इस तरह से पानी ले लीजिएगा। चावलों को हमने इसमें बॉयल करना है, तो इसमें सबसे पहले मैंने 3 से 4 इलायची ऐड की है। दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा एरोमा आएगा हमारे चावलों के अंदर। इसके अलावा इसमें मैं केवड़ा वाटर शामिल करूंगी, उसके 3 से 4 कतरे शामिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चावलों को मैंने 1.5 घंटा से पहले भिगो कर रख दिया था। सैला चावल लिए हैं, इसको आप 1 से 1.5 घंटा भिगो दें, उसके बाद इसे हम बॉयल करने के लिए इस पानी में शामिल करेंगे। जैसे पानी में थोड़ा सा बॉयल आने लगेगा हम चावल ऐड कर देंगे। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे चावल उबालने हैं। अगर आपने तेज फ्लेम पे उबाले तो चावलों के टूटने का डर होगा, इसकी करनी सलामत रहनी चाहिए। हम इस तरह से इसको बॉयल करेंगे। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जर्दे का रंग शामिल कर दिया है। जिस तरह ही चावल उबलेंगे इनके ऊपर ये कलर भी साथ ही आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत देखने में और खिले खिले से चावल हमारे बनेंगे। अब मैंने इसको कवर करके बॉयल किया था। ये जर्दा बनाने का जो तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान है, जल्दी चावल बनके तैयार हो जाते हैं। पानी का हिसाब वगैरह इसमें नहीं रखना होता। आपने जब इस तरह चावल उबालने हैं तो इसमें एक कनी रह जाए, इतने से ये पक जाए, देख लीजिएगा बिल्कुल नरम हो गए, तो एंड पे हमने जो प्रोसेस करना है उसमें फिर आपके चावल जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, इसको मैं किसी छन्नी में निकाल लूंगी और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ एक पैन में मैंने देसी घी लिया है, आप दूसरा घी भी ले सकते हैं, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। इसके अंदर अब ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। मैंने बादाम लिए हैं, इनको भिगो के रख दिया था, छिलका उतार लिया था। इसके अलावा मैं इसमें पिस्ते शामिल कर दूंगी, हम हल्का हल्का सा इनको रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पकाना। अब आखिर में मैं इसमें किशमिश शामिल करूंगी, जिसे मेवा भी बोलते हैं। ये आपने एंड पे ऐड करने हैं, अगर आपने पहले ऐड किए तो ये बहुत ज्यादा पकने से फूल जाते हैं और इनका टेक्सचर जो है वो खराब हो जाता है। आपने हल्का सा इसे बस सौते करना है और फ्लेम ऑफ कर देना है। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, इनको हम किसी बोल में निकाल लेंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जो इसी पैन में इसी घी में हो जाएगा। चावलों में घी का ज्यादा हिसाब नहीं रखना पड़ता, हाँ चीनी का ख्याल जरूर रखना पड़ता है। कुछ लोगों को मीठा ज्यादा पसंद होता है, बाज लोग थोड़ा नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं। तो मैंने एक बड़ा कप जो है चावलों का लिया था, तो उसमें तकरीबन अब इतनी चीनी जाएगी, छोटा कप चीनी का जाएगा। आपने जितने चावल लिए हैं उतनी ही चीनी ऐड नहीं करनी, उससे थोड़ी सी कम चीनी ऐड करेंगे। अब इसको मैंने घी के अंदर शामिल किया है, थोड़ा सा हमें मिक्स करेंगे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा मेल्ट नहीं करनी क्योंकि फिर ये कैरमलाइज हो जाएगी। जब इस तरह से थोड़ी सी चीनी आपकी मेल्ट होने लगे इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे, इससे चावल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और खिले खिले बनते हैं, उनका जायका भी बहुत मजे का बनता है। तकरीबन आधा कप दूध आप शामिल कर दें तो वो भी काफी है। अब चीनी को इस तरह से मिक्स करते जाएंगे स्पैचुला की मदद से और इसे हम पकने देंगे जहां तक कि हमारी सारी चीनी मिक्स हो जाएगी। फिर इसके अंदर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा जिससे चावलों का जायका बहुत ही मजे का बनेगा। ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है, आप इसके 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा, तो ये काफी अच्छे होंगे, इससे काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है। जो हम देगी जर्दा खाते हैं उसमें हम कहते हैं बहुत मजे का फ्लेवर होता है, घर पे चावल वैसे नहीं बनते, तो आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये चावल आपने खुद तैयार किए हैं या आप किसी शादी में खा रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने बॉयल किए हुए चावल, जिनके ऊपर कलर भी देखिए कितना अच्छा आ चुका है, वो ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा इसके अंदर दूध जो बचा है उसके साथ ही ये पकेंगे, तो इसमें जो एक कन्नी बाकी है वो भी खत्म हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम एंड पे दम करेंगे, फ्राई पैन को कवर करके रख देंगे। इसके अलावा कुछ और कपड़ा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को मैंने टॉप पे ऐड कर दिया था जो हमने रोस्ट किए थे। आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं और अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।